नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई अनसुलझे सवालों के जवाब का दिन है। लगातार हम आपको सुबह से वो उन सवालों के जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो दिलचस्प सवाल टहल रहे हैं, आखिर उनके जवाब क्या हैं, उसका पूरा लब्बो लुआब क्या है। तो एक सवाल और है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ, जो कल से टहल रहा है, उसके जवाब तलाशने की भी कोशिश हमने की है और हम बताने जा रहे हैं। दरअसल आप जानते हैं, रातों रात चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे थे और स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कल अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई थी। जैसे ही ये खबर आई कि चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटे हैं और अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है, वैसे ही ये तय माना जाने लगा, ये कयास और अटकलें लगाई जाने लगी कि चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे और संभवतः एनडीए छोड़ने का भी ऐलान कर दें। चिराग पार्टी दफ्तर में कल एलजेपी के दफ्तर में काफ़ी गहमा गहमी थी, आम दिनों में वैसी गहमा गहमी नहीं होती और ये कयास और ये खबर नहीं होती कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ऐसी गहमा गहमी नहीं होती। हालाँकि हर राजनीतिक दल के दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है, लेकिन एलजेपी दफ्तर के बाहर, एलजेपी दफ्तर के अंदर नज़ारा अलग था। चिराग पासवान पहुँचे, उन्होंने झंडा फहराया और इमरजेंसी मीटिंग भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ की, लेकिन मीडिया को इस पूरी बैठक से दूर रखा गया। चिराग पासवान को लेकर जहाँ ये तय माना जा रहा था कि वो महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले सकते हैं, नीतीश सरकार की समर्थन वापसी का फैसला ले सकते हैं, अचानक उन्होंने चुप्पी साध ली, मीडिया से बचते बचाते निकल गए। तब ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर चिराग पासवान के तेवर क्यों बदल गए, चिराग पासवान ने अपनी प्लानिंग क्यों बदल ली। दरअसल अंदर खाने से जो खबर आई है, वो खबर ये है कि बीजेपी चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है, बीजेपी चिराग पासवान को समझाने की कोशिश कर रही है, मनाने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो टकराव बना हुआ है, भीषण टकराव बना हुआ है, उसमें कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसीलिए चिराग पासवान के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं और जेडीयू और एलजेपी दोनों खेमों में खामोशी है। आप देख रहे थे कि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को मैदान में उतार दिया था। ललन सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं, नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद लगातार हमलावर थे चिराग पासवान के खिलाफ, लेकिन हमने कई एलजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, एलजेपी के कोई नेता बात करने के लिए इस मुद्दे पर अब तैयार नहीं है, जबकि एलजेपी के कुछ नेताओं ने हमला भी किया था जेडीयू पर, चिराग पासवान के अलावा एलजेपी के नेता भी मोर्चा खोले हुए थे। दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, जेडीयू के नेता भी अब चिराग पासवान को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एनडीए में जो भूचाल आने वाला था, उस भूचाल को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो चिराग पासवान की तरफ से तो कोई बयान सामने नहीं आ रहा, जेडीयू की तरफ से भी कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन चिराग पासवान के जो बयान रहे हैं, उससे बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज हैं। चिराग पासवान अपनी तरफ से संबंध तोड़े न तोड़े, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से सियासी दोस्ती खत्म कर ली है। देखना होगा चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए छोड़ेंगे। देखना यह भी होगा कि आज भले ही खामोशी है, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने अपने करीबियों की फौज चिराग पासवान के खिलाफ उतारी, क्या वो अब भी हमलावर होते हैं चिराग पासवान पर? नीतीश कुमार के जो करीबी नेता माने जाते हैं वो हमलावर रहे हैं। ललन सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने चिराग पासवान को कालीदास बता दिया। नीरज कुमार जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने चिराग पासवान को नसीहत दी कि आप प्रधानमंत्री का बयान ठीक से सुन लीजिए, क्योंकि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का बयान का हवाला देकर कोरोना जांच को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया था। इधर राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं, वो भी हमलावर रहे थे। तो हमला तो अभी रुका हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार
की नाराजगी बनी रहेगी और एक बार फिर जेडीयू नेता मोर्चा खोलेंगे चिराग पासवान के खिलाफ, यह देखना होगा, या फिर भूचाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा कई बार लगा है इस पूरे घटनाक्रम में कि जो सियासी भूचाल था एनडीए के अंदर आने वाला वो खत्म हो गया है, चिराग पासवान की नाराजगी खत्म हो गई है, नीतीश कुमार की नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर 10 मिनट तक नीतीश कुमार से फ़ोन पर बातचीत की थी। उससे पहले चिराग पासवान ये शिकायत करते रहे थे कि नीतीश कुमार न तो मिलने का वक्त देते हैं, मुलाकात होती है कुछ डिमांड होती है तो नीतीश कुमार उस पर एक्शन भी नहीं लेते, फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती, सरकार में हमारा कोई मंत्री नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है हमारी पार्टी का, तो हम अपनी बात रखें तो कहाँ रखें। नीतीश कुमार की बात तब 10 मिनट तक होती है चिराग पासवान से, चिराग पासवान 10 मिनट तक बात करते हैं और फिर ये कयास लगने लगता है कि दोनों के बीच के जो तल्ख रिश्ते हैं वो मधुर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हुआ था। तो क्या चिराग पासवान और जेडीयू के बीच के रिश्ते ठीक होंगे, क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल हमने इस सवाल का जवाब समझाने की कोशिश की है, तलाशने की कोशिश की है कि क्यों चिराग पासवान ने कल कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी ने उनको बड़ा फैसला नहीं लेने दिया, उनको मनाने की कोशिश लगातार हो रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।